एक परफेक्ट ब्राउनी की पहचान है गोई टेक्सचर और क्रिंकल टॉप, और ख़ास करके तब जब ये फरेरो रोशर ब्राउनी हो तो किसका दिल नहीं करेगा इसको बनाने का और इसको खाने का। तो चलिए दोस्तों इसको बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। चलिए फटाफट से हम सामान तौल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मैदा ले लिया है, जिसमें मैंने 35 ग्राम कोको पाउडर डाल दिया है। साथ के साथ मैंने नमक डाला है आधा छोटा चम्मच, जिसमें हम कोई भी लेवनिंग एजेंट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ब्राउनीज़ जो है ना वो बिना लेवनिंग एजेंट के बनाई जाएँ तो अच्छी बनती हैं, और ये एग वाली ब्राउनी है तो वैसे भी इसमें लेवनिंग एजेंट डालने का कोई मतलब नहीं है। तो इन सभी ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को मैं छान के एक साइड में रख लूँगी और उसके बाद हम वेट इन्ग्रीडियंट्स की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को छान लिया और छान करके सारी चीज़ों को आपस में मैं ऐसे मिक्स कर ले रही हूँ, ताकि कोको पाउडर और मैदा जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद इसको हम एक साइड में रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया है, 160 ग्राम बटर लिया है, जिसको कि मैंने 130 ग्राम चॉकलेट के अंदर मिक्स कर दिया है, जिसमें मैंने हाफ हाफ करके डार्क और मिल्क चॉकलेट मिक्स की है। अगर आप अपनी ब्राउनी थोड़ी सी बिटर पसंद करते हैं तो आप सिर्फ डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ मिल्क चॉकलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपकी ब्राउनी थोड़ी सी मीठी बनेगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि उस केस में आप क्या करें कि आप चीनी की मात्रा को थोड़ा सा कम कर लें। और यहाँ पर जो बटर था वो थोड़ा गर्म था, तो हमारा जो चॉकलेट है वो आसानी से पिघल गया है। इसको अब मैं एक साइड में रख लूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और दूसरे बोल में यहाँ पर मैंने एग्स ले लिए हैं 3, और उसमें मैंने 200 ग्राम कैस्टर शुगर का ऐड कर लिया है। साथ के साथ मैंने एक छोटा चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट का डाला है, और इनको मैं अच्छे से आपस में फेंट लूँगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेंटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ब्राउनी बना रहे हैं दोस्तों, आप केक नहीं बना रहे हैं। तो हल्का सा मैं एग्स का कलर पेल होने तक इसको फेंट रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्स का कलर पेल तो हो गया है, लेकिन इसकी बीटिंग जो है वो रिबन स्टेज तक नहीं हुई है। उसके बाद हम इसमें जो हमारा बटर और चॉकलेट का जो मिक्सचर था ना, उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से मैं यहाँ पर ऐड कर ले रही हूँ, और ऐड करने के बाद इन दोनों को मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपका जो ब्राउनी का बेस है ना, वो बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितना लशियस है ये। अब इसके बाद इसमें हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को ऐड करेंगे, और ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को ऐड करने के बाद से इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी आपस में। ये देखिए, मैं यहाँ पर बीटर का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पैचुला या हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जिससे भी कंफर्टेबल हों। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि ओवर मिक्सिंग आपको यहाँ पर चीज़ों की नहीं करनी है। तो मैंने अगर इलेक्ट्रिक बीटर का यहाँ पर यूज़ किया है, तो उसको मैंने सिर्फ 8 से 10 सेकंड के लिए यूज़ किया है, ओवर मिक्सिंग मैंने नहीं की है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो मिक्स हो गया है आपस में। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से 70 ग्राम्स हाफ हाफ चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर टोटल में 18 फरेरो रोशर ली थी, जिसमें मैंने 9 फरेरो रोशर यहाँ पर चॉप करके ये देखिए इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि हम फरेरो रोशर ब्राउनी बना रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 9 इंच बाई 9 इंच का ब्राउनी ट्रे लिया है, जिसको मैंने लाइन कर लिया है पार्चमेंट पेपर से, और उसमें मैं ये देखिए इस तरीके से अपने बैटर को स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद इसको और फ्लेवरफुल करने के लिए मैंने ऊपर से इसमें 1/4 कप नुटेला है उसको ऐड कर दिया है। नुटेला से इसका फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम फरेरो रोशर ब्राउनी बना रहे हैं तो हेज़ल नट का जो चॉकलेट के साथ मिक्सचर होता है वही होता है नुटेला। इसके लिए मैंने इसमें नुटेला डाला है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बस ये आपके फ्लेवर को और बढ़ाने ही वाला है, आपकी ब्राउनी को और स्वादिष्ट बनाने वाला है। इसको अच्छे से मैंने स्वर्ल करके मिक्स कर लिया है, और टोटल आप पहले ही इंश्योर कर लेंगे कितनी ब्राउनीज़ आप कट करने वाले हैं, उस हिसाब से फरेरो रोशर को हाफ हाफ करके और इस तरीके से करके प्लेस करते जाएं। ये देखिए दोस्तों, तो टोटल में मैं यहाँ पर 16 ब्राउनी के पीसेस 9x9 इंच के ब्राउनी से निकालूंगी, और इसके लिए मैंने यहाँ पर 16 फरेरो रोशर के पीसेस ऐसे करके डाल दिए हैं। और उसके बाद अब इसको हम बेक करेंगे 160 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए, या फिर सिर्फ तब तक जब तक हमारी जो ब्राउनी है वो साइड्स ना छोड़ दे। उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद ही कट करेंगे, गरम ब्राउनी में नाइफ नहीं चलाएंगे, नहीं तो हमारी जो ब्राउनी है उसके कट्स क्लीन नहीं आएंगे। ब्राउनी को आप 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा करें, प्रेफरेबली अगर आप फ्रिज में ठंडा कर सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद ही इसको स्लाइस करें, ताकि आप ब्राउनीज़ के क्लीन पीसेस पा सकें। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से करके इसको अब मैंने काट लिया है, और उसके बाद ये ब्राउनी एकदम बढ़िया सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसका गोई टेक्सचर भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, साइड से ये ब्राउनी कितनी ज़्यादा अच्छी है, और क्रिंकल टॉप तो आप इसका देख ही सकते हैं। तो इस ब्राउनी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे बताएं ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स किचन में।